राहुल गांधी तो उनको लोग बोलता है पप्पू पप्पू, तो इसलिए राहुल गांधी तो मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि कुछ भी नहीं कहे, अभी 60 साल 55 साल के हो गए, युवा ही हैं, शादी ब्याह भी नहीं हुआ है और युवा ही अपने आप को बोलते हैं, तो इसलिए उनसे हमको कोई विशेष नहीं है, उनका सरकार ढंग का नहीं है। वो तारीख पर तारीख देते जाते हैं, हाँ जब जब आते हैं तो बोला जाता है, तो वो बोलते हैं कि ठीक है बनेगा, इस पर ध्यान देंगे, दरखास्त दे दीजिए, हम लोग दरखास्त देते हैं, कहाँ चला जाता है दरखास्त, इसका कोई अथी नहीं है, जब आते हैं तो यही सब होता है। और उस दिन रविवार के दिन यहाँ आए हुए थे, तो हम लोग यहाँ मुद्दा रखे से स्कूल यहाँ जो है से आप स्कूल का निर्माण कराइए और हम लोग से आप वोट लीजिए, तो कहें से यहाँ आचार संहिता लगा हुआ है जिसमें स्कूल का निर्माण नहीं हो सकता है, हम लोग नहीं हो सकता है तो यहाँ जो है से वोट भी आपको यहाँ नहीं मिल सकता है। यहाँ पे ना कोई बड़े नेता का बच्चा पढ़ता है, ना यहाँ पे कोई बड़े पैसे वाला का बच्चा पढ़ता है, या जो भी पढ़ता है तो गरीब का ही बच्चा पढ़ता है। अगर खुदा ना खास यहाँ का छत गिर जाता है, किसी का बच्चा मर जाता है, तो ये इसका रिस्क कौन लेगा, इसका जवाब कौन देगा, या टीचर देगा या यहाँ के नेता लोग देंगे, कोई यहाँ जवाब देने नहीं आएगा। नमस्कार, मैं प्रवीण और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा, पीबी बिहार न्यूज़ की यह चुनावी यात्रा। हम लोग अभी वैशाली लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और बीते रविवार को यही सांसद महोदय आई थी और इसी स्कूल में बैठी थी। अभी जो ट्विटर पे एक वीडियो उनका वायरल हो रहा है और इसी गांव के लोग उनका विरोध कर रहे थे। ये मोहम्मदपुर गांव है वैशाली लोकसभा में जो आता है, यहाँ बिहार से दिल्ली तक की यहाँ चर्चा है, इस लोकसभा क्षेत्र चुनाव की चर्चा। क्या नाम हुआ? श्याम कुमार। क्या मुद्दे हैं इस गांव के? अभी बीते रविवार को सांसद महोदय भी आई थी जिसको आप लोगों ने विरोध किया, यहाँ क्या विकास हुआ, किसके साथ हैं इस बार, क्या विकास चाहते हैं आप लोग? हम लोग को स्कूल चाहिए। स्कूल चाहिए? स्कूल चाहिए। कितने सालों से ये स्कूल ऐसे हैं? ये 10 साल करीबन। 10 सालों से ऐसे ही ऐसे हैं? तो सांसद महोदय आई थी तो आप लोगों ने उनसे कहा नहीं स्कूल बनवाने के लिए? हाँ बोले स्कूल बनवाने के लिए, तो वो क्या वादे करते गए? वो तारीख पर तारीख देते जाते हैं, हाँ जब जब आते हैं तो बोला जाता है, तो वो बोलते हैं कि ठीक है बनेगा, इस पर ध्यान देंगे, दरखास्त दे दीजिए, हम लोग दरखास्त देते हैं, कहाँ चला जाता है दरखास्त, इसका कोई अथी नहीं है, जब आते हैं तो यही सब होता है, अभी तक हम लोग को स्कूल बना नहीं। तो इस बार किसको वोट करेंगे, क्योंकि इस मैदान से दो मेन प्रत्याशी उतरे हुए, एक तरफ मुन्ना शुक्ला हैं और एक तरफ ये बीना देवी हैं, तो किसको वोट करेंगे आप लोग? जो स्कूल बनाएंगे, जो हम लोग का जो मतलब स्कूल बनाने में हेल्प करेंगे, सहयोग करेंगे, उनको हम लोग सपोर्ट करेंगे। तो पिछले बार भी वो सांसद रही थे, इस बार भी मैदान में है, तो क्या लग रहा है इस बार गाँव के लोग किन के साथ है? गाँव का लोग तो अभी उन्हीं के साथ में है। अभी उन्हीं के साथ? उन्हीं के साथ में है। क्या क्या नाम हुआ भैया आपका? अनिल भगत। क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में आप? हम लोग का मुद्दा यही है से स्कूल यहाँ जर्जर है और ये 5 साल जैसे यहाँ संसद ये बन चुकी थी, इसके बीच में यहाँ कोई भी सुनवाई नहीं की है, यहाँ ये मोटा मोटी 5-6 जैसे पटिशन यहाँ से उनके हाथ में पड़ा, पटिशन वो कहाँ फेंके से कोई पता नहीं चला। और उस दिन रविवार के दिन यहाँ आए हुए थे, तो हम लोग यहाँ मुद्दा रखे से स्कूल यहाँ जो है से आप स्कूल का निर्माण कराइए और हम लोग से आप वोट लीजिए, तो कहें से यहाँ आचार संहिता लगा हुआ है जिसमें स्कूल का निर्माण नहीं हो सकता है, हम लोग नहीं हो सकता है तो यहाँ जो है से वोट भी आपको यहाँ नहीं मिल सकता है। तो पिछले 5 सालों से वो कहाँ थे? वो तो अब कहाँ थे से तो अब हम लोग को जो है कभी भेंट नहीं है, मुजफ्फरपुर रहते हैं, दिल्ली रहते हैं, दाऊदपुर यहाँ जो है से उनका जमधरती हुआ, बाकी यहाँ जैसे कभी काल यहाँ भेंट होते हैं। कुछ ही दूरी पे उनका गांव है, 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर बस, फिर भी इस गांव की स्थिति ऐसी स्थिति नहीं है, और जो ऐसे पंचायत यही है उनका। तो इस बार क्या भाजपा को वोट जाएगा या फिर महागठबंधन को आप लोग? यहां तो देखिए हम लोग को यहां शासन है, हम भाजपा को ही हम लोग वोट देंगे, बाकी यहाँ हो सकता है तो हम लोग बदल भी सकते हैं, इसलिए हम लोग का यहाँ हम लोग का शर्त है सो जब तक स्कूल नहीं तब तक वोट नहीं। वही स्कूल बनना चाहिए, गांव घर का स्कूल है, टूटा हुआ यहाँ का संसद है, लोग जिला परिषद सबको MSC है, स्कूल नहीं बनता है, और क्या चाहिए हम लोग को, स्कूल चाहिए। इतना मुद्दा है सब कुछ कहने लगे नहीं, मान लीजिए 3 किलोमीटर हट कर जैसे विधायक का घर है, 2 किलो या 3 किलोमीटर हट कर जैसे संसद का घर है, जिला परिषद उन्हीं के घर में, संसद उन्हीं के घर में, MLC उन्हीं के घर में, सब वही उन्हीं है, मुखिया बगल में ही है, बाकी आज तक जो है यहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई, मुखिया मेरा जो है 10 वर्ष चलेंगे मुखिया पद से,
और जिला परिषद हमारा मरी विश्व परिषद चले गए, बाकी यहाँ कुछ सुनवाई नहीं हुआ। तो क्या आप लोग कभी शिकायत इसको लेकर कभी? बहुत बार हो चुका है, बहुत बार शिकायत स्कूल के बारे में हो चुका है, वो लोग कोई सुनवाई नहीं करते हैं, विधायक जी भी सुनवाई नहीं करते हैं। तो हम लोग का एक ही मुद्दा ना है, मान लीजिए 5 साल के बीच में एक महीना के लिए हम लोग का मुद्दा बनता है, इसके अलावा कोई मुद्दा बनता नहीं है। 5 सालों में फिर कोई झांकने नहीं आता? कोई झांकने नहीं आता है, ये पर्सनल है यहाँ। क्या क्या नाम हुआ भैया आपका? सुबोध कुमार। क्या यहाँ चुनावी मुद्दे इस बार युवाओं के? देखिए यहाँ पे चुनावी मुद्दा तो शुरू से ही हम लोग यहाँ बीना देवी जी को सपोर्ट कर रहे हैं और आज भी करते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग को देखा जाए तो ये 3 गांव के बीच में एक ये स्कूल है, इंडोलिया, मोहम्मदपुर और ममरेजपुर, 3 गांव के बीच में स्कूल है। और ये स्कूल का आप कंडीशन देख सकते हैं कि इस स्थिति में स्कूल है कि यहाँ बच्चे नीचे बैठ के पढ़ते हैं, कब क्या हो जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पे ना कोई बड़े नेता का बच्चा पढ़ता है, ना यहाँ पे कोई बड़े पैसे वाला का बच्चा पढ़ता है, या जो भी पढ़ता है तो गरीब का ही बच्चा पढ़ता है। अगर खुदा ना खास यहाँ का छत गिर जाता है, किसी का बच्चा मर जाता है, तो ये इसका रिस्क कौन लेगा, इसका जवाब कौन देगा? या टीचर देगा या यहाँ के नेता लोग देंगे, कोई यहाँ जवाब देने नहीं आएगा। कोई जवाब ज़्यादा होगा तो वो लोग मुआवजा दिला देंगे, लेकिन उनका बच्चा तो नहीं रिटर्न कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ देखा जाए कि हम लोग का मुद्दा यही है कि हम लोग शुरू से विधायक जी, फिर उसके बाद संसद, सबके यहाँ हम लोग गए थे, आवेदन भी दिए थे, लगभग हम लोग ये 2-3 साल से इसके पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ आज तक कोई नेता यहाँ देखने नहीं आते कि स्कूल का स्थिति क्या है। अच्छा, रोजगार को लेकर क्या मुद्दे, क्योंकि आप युवा हैं और ऐसे में क्या मुद्दे हैं सरकार? देखिए रोजगार तो यहाँ बहुत कमी है, यहाँ पर रोजगार पर भी आज हम लोग भी देखा जाए तो ग्रेजुएशन करके भी इधर उधर अपना कुछ करके लोग कमा रहे हैं, यहाँ देखा जाए तो रोजगार में भी यहाँ कुछ नहीं मिला है। जैसे कि हम लोग यहाँ नज़दीक में संसद महोदय हैं, अगर वो चाहते तो यहाँ पे कोई फैक्ट्री दिला सकते थे, विधायक भी चाहते तो फैक्ट्री बनवा सकते थे, करवा सकते। यहाँ के जो भी बेरोजगार युवा हैं उसको यहाँ रोजगार मिलता, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ है नहीं रोजगार, यहाँ रोजगार देखा जाए तो बहुत कम है। ऐसे में पलायन भी बहुत लोग अब दूसरे राज्यों में कर रहे होंगे? जी जी, यहाँ से बहुत सारे हमारे युवा लोग यहाँ से दिल्ली जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, काम करते हैं, यहाँ से पूरे अपने फैमिली को त्याग करके जाते हैं, लेकिन क्या है, मजबूरी है, पेट के लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा, तो यहाँ बेरोजगार है, सब कोई पढ़ा लिखा इंसान बेरोजगार है यहाँ पर। तो वोट किसको करेंगे इस बार? देखिए अभी फिलहाल हम लोग का वोट का कोई मूड नहीं है कि हम लोग किसको देंगे, बस हम लोग का एक ही मुद्दा है कि जो भी प्रत्याशी यहाँ से आए, वो बीना देवी आए या चाहे मुन्ना शुक्ला, 2 प्रत्याशी तो है, तो जो भी हम लोग को ये भवन का जो काम कराएंगे उनको हम लोग सपोर्ट करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ हम लोग का ये प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? देखिए यहाँ तो युवा का पूरा मूड है कि नरेंद्र मोदी को ही देखना चाहते हैं, लेकिन इस बार तो नरेंद्र मोदी क्या युवाओं को रोजगार दे रहे हैं? हाँ। आपने कहा कि ग्रेजुएशन करके किसी तरह यहाँ काम चला रहे हैं। हाँ, यहाँ तो सही बात है कि यहाँ तो ग्रेजुएशन किए बहुत सारे लोग हैं, बीटेक भी किया, रोजगार मिल रहा है, ऐसा बात नहीं कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है। क्या क्या रोजगार? लेकिन हमारे यहाँ जो बात बता रहे हैं, यहाँ जो हमारे मुजफ्फरपुर जिला में जैसे है जो सांसद लोग हैं या विधायक हैं, अगर उनके स्तर से अगर देखा जाए तो यहाँ जो लोग नज़दीकी में सब वार्ड में ही हैं, तो चाहे तो यहाँ पर लोग अपना फैक्ट्री बनवा सकते थे, यहाँ के जो बेरोजगार रखो उसको रोजगार दे सकते थे। क्या नाम हुआ आपका? महेश कुमार। आप युवा हैं, क्या करते हैं? अभी कुछ नहीं, बेरोजगार है। बेरोजगार है, कहाँ तक की पढ़ाई की आप? ग्रेजुएशन किए हूँ। ग्रेजुएशन किया, गाँव में ये भी रहना होता है जी। तो इस बार क्या मुद्दे हैं आप युवाओं को, क्योंकि युवा सबसे बड़ा इस देश में बेरोजगार बैठा है, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार युवाओं का? देखिए बेरोजगारी तो एक पूरा देश का मुद्दा है, एक हमारा ही नहीं है, ठीक है। और उस लायक अगर पढ़ाई किए हैं, अगर हम भी DL वगैरह किए रहते तो आज हम भी अगर कहीं जॉब कर रहे होते, वो हमारी कमी है, ठीक है। तो लेकिन वोट मोदी जी को ही कीजिएगा? नहीं, ये कोई गारंटी नहीं कह सकते, ठीक है। और रही बात यहाँ के, तो यहाँ पर्सनल मुद्दा हमारा सिर्फ स्कूल है, ठीक है। यहाँ लगभग 500 बच्चे पढ़ते हैं इस स्कूल। क्यों आपको रोज़गार नहीं चाहिए, अभी ग्रेजुएशन करके बैठे हुए हैं? ठीक है, वो अलग बात है, रोज़गार तो अगर मिल जाए तो किसको नहीं चाहिए, नौकरी किसको बुरा लगता है, कोई भी चाहता है हम अच्छे पैसे कमाएं, अपने परिवार को देखें, ठीक है। क्या क्या नाम हुआ आपका? उदय कुमार।
क्या करते हैं आप? बेरोजगार हैं अभी। आप भी बेरोजगारी हैं जी। तो किसको इस बार वोट करेंगे, क्या मुद्दे रहेंगे आप युवाओं का? देखिए वोट जो जो यहाँ के सांसद या विधायक है वहाँ यहाँ स्कूल बनाएंगे तो वोट मिलेगा। जो यहाँ वोट बन मान लीजिए कि स्कूल बनाएंगे उन्हीं को वोट मिलेगा, बिना देवी हो चाहे मुला छुला हो, जो यहाँ स्कूल बनाएंगे उन्हीं को वोट मिलेगा। जो यहाँ नहीं तो जीतने के बाद ही अब बनाएंगे ना, जो बनेंगे। नहीं तो पाँच साल हर साल से तो जीतते आ रहे हैं ना, इस साल भी सांसद रहे, MLC भी रहे हैं। इस साल कितने बार उनको बोला गया कि यहाँ स्कूल बनाया जाए, यहाँ स्कूल बनाया जाए, फिर भी कोई सुनवाई नहीं होता है। विधायक को भी बोला गया, कोई सुनवाई नहीं होता है। क्या करते हैं अभी आप? मैं बेरोजगार हूँ अभी। अभी बेरोजगार है? करते हैं काम धंधा कर रहे हैं बाहर भीतर। बेरोजगार है जी। मोदी जी कैसे लगते हैं आपको, कैसे नेता लगते हैं, क्या सोचते हैं मोदी जी के बारे में? मोदी जी तो ठीक है, फिर भी उतना जो हम लोग जो करते हैं वो तो तैयारी जितना करेंगे वही ना कर पाएंगे। तैयारी इसका मतलब मन से नहीं कर रहे हैं आप? नहीं, हम लोग मन से तैयारी नहीं किए हुए हैं। हम लोग अब गरीब फैमिली है, हम लोग तैयारी में लग जाएंगे तो इधर आप पेट पालने के लिए भी तो सोचना पड़ेगा ना। मोदी जी रोजगार दे रहे हैं? दे रहे हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको मिल रहा है, हम लोग तैयारी नहीं किए, हम लोग को नहीं मिल रहा है। अच्छा, चलिए अच्छी बात है। क्या नाम हुआ आपका चाचा? हमारा नाम हुआ सुखदेव भगत। क्या किसको वोट कर रहे हैं इस बार? देते चले आ रहे हैं आज तक मोदी सरकार को। हाँ, अभी भी हमारा वही है, समाज लेकर के स्कूल का मैटर चला हुआ है और समाज के बंधन में हम हैं। जिस तरह समाज चलेगा उस तरह से हम भी चलेंगे। तो मोदी जी रोजगार दिए हैं आप लोगों को? हमको क्या रोजगार देंगे, महंगाई कम हुई है। महंगाई कैसे कम होगा, महंगाई कहाँ कम हो रहा है। तो फिर भी कह रहे हैं मोदी जी को वोट करेंगे? हाँ करेंगे, महंगाई है फिर भी मोदी जी को? जी जी हाँ, इसीलिए करेंगे। हाँ, कि हमको 400 रुपया मिल रहा है कि ना, 400 रुपया में महीना चलता है, पेंशन मिल रहा है, मजदूरी करते हैं, खा रहे हैं, क्या करें। जो यहाँ तो गरीब परिवार का हम हैं तो रीति रिवाज वही ना चलाएंगे, चलेंगे हम क्या करें। कितना हमको दे देंगे, हमको कितना दे देंगे, क्या करेंगे। राशन मिलता है आपको? राशन मिलता है। कितना राशन मिल रहा है? 5 किलो। 5 किलो जी। बिजली मिलती है फ्री? बिजली फ्री तो नहीं है, बिजली तो अभी हम कल परसों में मैंने 600 रुपया भरे हैं 3 महीना का। तो इस बार मोदी जी को वोट करेंगे? करेंगे। क्या मुद्दे हैं आपके? हमारा मुद्दा कुछ नहीं है, यही मुद्दा है कि हाँ अच्छा से चला रहे हैं तो उन्हीं को दिया जाएगा। क्या अच्छा लगता है मोदी जी में आपको? लगता है कि मैंने मंदिर बनवा दिए हैं। मंदिर बना दिए, मंदिर का व्यवस्था छोड़ दीजिए, मंदिर का तो एक अलग रास्ता हुआ। जैसे मैंने बूढ़ पुरानिया को या जुआ को कुछ मैंने काम दे रहे हैं। बिहार में क्या दिए हैं मोदी जी अभी तक? बिहार में मैंने हम अपने स्तर से कहेंगे कि ये जंगल राजमुख है। कहीं भी आप थाने में चले जाइए वहाँ पैसे की मांग की जाती है। हाँ, ये तो शुरू का ही है, ये तो बिना पैसा का कोई ना, ये सब ब्लॉक हो, थाना हो, या कोई भी सरकारी, आप रेलवे का सरकार जॉब लेने जाइए या कोई अलग विभाग का जॉब लेने जाइए, वहाँ कुछ ना कुछ तो आपको मांगा ही जाएगा, वो डिमांड किया ही जाता है। आप सब कुछ निकाल लीजिए, मेडिकल निकाल लीजिए, लिखित निकाल लीजिए, सब कुछ निकाल लीजिए, फिर भी वहाँ जा करके कुछ ना कुछ आपको ये लगा देंगे। और उसके बाद ये मंगल राज है फिर? जंगल राज। अभी आपने कहा कि जंगल राज मुक्त नहीं, जंगल राज मतलब ये नहीं हुआ। जंगल आपसे जुड़ेंगे कुछ लोग और हैं, क्या नाम है भैया? राकेश कुमार। क्या इस बार चुनावी मुद्दे हैं? चुनावी मुद्दे तो मुझे नहीं है, मुझे जो भी मुद्दा है स्कूल का ही मुद्दा है, क्योंकि हम लोग बहुत दिन से इसके पीछे पड़े हुए हैं, अभी तक स्कूल बना नहीं। हम लोगों का स्कूल यहाँ बनेगा तो बच्चों को पढ़ने के लिए होगा, जब पढ़ेगा लिखेगा फिर आगे बढ़ेगा कुछ करेगा। तो मेन मुद्दा हम लोगों का स्कूल का है। रही चुनावी मुद्दा, तो केंद्र में तो मोदी जी की सरकार है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, 370 हटा दिए, वहाँ कोई अब दिक्कत नहीं है। वहाँ पाकिस्तान का झंडा लगता था, अभी हिंदुस्तान का झंडा लग रहा है। जो कितनों वर्षों से राम मंदिर लंबित था वो राम मंदिर बनवा दिए, जो कि वहाँ हर कोई जा रहा है आ रहा है। उसके बाद जो भी है, अभी जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने वाले हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है, बहुत आदमी का 12 बच्चा है। आपको क्या फ़ायदा हुआ? हमको फ़ायदा होगा ना, अभी जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएंगे तो सबको फ़ायदा होगा। अभी किसी को 12 बच्चे हैं तो 500 रुपये करके उसको सरकार अगर देगी तो उसको 6000 रुपये हो जाएंगे। हमारे पास 2 बच्चे हैं तो 1000 रुपये हो जाएंगे, तो हमसे तो आगे निकलेगा ना। अभी समान जब अधिकार सबको देंगे बराबर का, तो सबको उतना मिलेगा, फिर जो जितना करेगा उतना कमाएगा। राम मंदिर बन जाने से, 370 हट जाने से क्या बिहार के युवाओं
महिलाओं को रोजगार जैसी महंगाई जैसी समस्या दूर होगी? तो होगी, महंगाई होगी, इसलिए कि हम आज से 20 साल पहले जब काम किया करते थे तो 100 रुपये 150 रुपये दिहाड़ी पे काम करते थे, आज हम 600 रुपये दिहाड़ी पे काम कर रहे हैं। तो उस समय जब आटा 10 रुपये खरीदते थे, आज 30 रुपये खरीद रहे हैं। तो जब कम कमाते थे तो कम खर्चा होता था, ज़्यादा कमाते हैं तो ज़्यादा खर्चा होता है। तो ये तो होना ही है, किसी के सरकार में होना है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होगा, महंगाई तो होते रहेगी। लेकिन जो हमारे केंद्र में काम कर रहे हो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अभी सारा देश उनसे डरा हुआ है और विश्व में नंबर वन पे नेता है। कहाँ सारा देश डरा हुआ है, चाइना लगातार यहाँ कितनों भी सीमा में लगा हुआ है, तो सबका काम हो रहा है। अभी वहाँ तक वो चाइना के बॉर्डर तक जाकर के अपना एयरपोर्ट बना दिए, अभी पाकिस्तान में जाकर सर्जिकल स्ट्राइक किए हैं, तो हर जगह उनका बोलबाला है, काम अच्छा कर रहे हैं। कांग्रेस से बहुत बढ़िया है, इसलिए हम तो मोदी जी को सपोर्ट करेंगे। कांग्रेस कैसा लगता है, कांग्रेस में क्या राहुल गांधी कैसे लगता है? नहीं, राहुल गांधी तो उनको लोग बोलता है पप्पू पप्पू, तो इसलिए राहुल गांधी तो मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि कुछ भी नहीं कहे, अभी 60 साल 55 साल के हो गए, युवा ही हैं, शादी ब्याह भी नहीं हुआ है और युवा ही अपने आप को बोलते हैं, तो इसलिए उनसे हमको कोई विशेष नहीं है, उनका सरकार ढंग का नहीं है, अच्छे नहीं लगते। नहीं नहीं, मोदी जी है बहुत बढ़िया है, मोदी जी को देखेंगे हम लोग 5 साल 10 साल, उसके बाद योगी जी आएंगे, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं हम लोग। रोजगार कहाँ मिल रहा है बिहार? मिल रहा है हम लोग को, तो मिल रहा है, हम तो 3-3 रोजगार करते हैं, 4-4 डेली के 1500 रुपये कमाते हैं। क्या रोजगार कर रहे हैं? ड्राइविंग करते हैं 500 रुपये कमाते हैं, राजमिस्त्री करते हैं 600 रुपये कमाते हैं, बैंकिंग काम करते हैं 200 रुपये कमाते हैं, डेली का काम करते हैं। पढ़ लिख के आप भी पकौड़ा तलने के लिए? बिल्कुल, अपना रोजगार है ना, बैंकिंग काम जो भी हुआ, ड्राइविंग हुआ, अपना रोजगार है, गाड़ी ले लेंगे, बिजनेस करते रहेंगे। तो जरूरी नहीं है कि सबको सरकारी नौकरी ही मिले, जरूरी नहीं है कि सबको सरकारी नौकरी मिले, जो जितना में हम लोग बहुत खुश है, मोदी जी है बहुत अच्छा है। बस हम लोग का यही चुनावी मुद्दा है, एक बस एक ही हम लोग का मुद्दा है कि हम लोग का स्कूल नहीं बना आज तक, स्कूल जब तक नहीं बनेगा तब तक हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे, इस जगह पर वोट गिराने नहीं देंगे किसी को, न गिराएंगे न गिराने देंगे किसी को। तो इस बार किसको वोट करेंगे? वीणा देवी यहाँ से पिछले बार भी सांसद रही हैं और पिछले 5 सालों में यहाँ के ग्रामीणों ने कहा कि बार बार आवेदन दिए हैं लेकिन फिर भी स्कूल नहीं बना, लेकिन फिर भी ग्रामीण कह रहे हैं कि वीणा देवी को वोट करेंगे, ऐसे में आप लोग किसके साथ? अभी तो फिलहाल कुछ नहीं कह सकते हैं, जब पूरा लोग का जो राय होगा वही होगा, जब सबको एक जगह होगा जो निर्णय होगा वही होगा। हम अभी मोहम्मदपुर से गांव में थे, यहां को लोगों को आप सुन रहे थे, यहां पे खास तौर पे यहां के लोगों का स्कूल ही एक मुद्दा है और काफ़ी नाराज़गी है वीणा देवी से, इस बार कह रहे हैं कि वीणा देवी को वोट नहीं करेंगे। आपको पूरी इस वीडियो पे क्या प्रतिक्रिया रही है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही इस तरह के तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो हमारे स्पॉन्सर ट्रिप आउट को ज़रूर एक बार ट्राई करें, हमने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। धन्यवाद।